है कि थोड़ा दिक्कत होता है जो नए नए अलाइनमेंट दुकान खोलते हैं, शॉप खोलते हैं, तो इसलिए हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। मैं आपका भाई फिर से नए वीडियो लेकर फिर से आपको सब लोगों को स्वागत कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, मैं आज यहाँ अभी इसका नीचे में आप देख ही सकते हैं, ये बोलेरो पिकअप है। तो बोलेरो पिकअप का किस तरीके से अलाइनमेंट करता है आपको थोड़ा दिखाने के लिए कोशिश करेंगे। हालांकि जो नए नए अलाइनमेंट मशीन लेते हैं या जो नए ऐसे शॉप खोलते हैं तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ये जो हमारे नॉर्मल पैसेंजर जैसे बोलेरो, छोटा बोलेरो या कुछ भी छोटा गाड़ी जैसा नहीं होता है, उसका अलाइनमेंट करना थोड़ा अलग होता है। तो इसीलिए आपको थोड़ा हम दिखाने के लिए कोशिश करेंगे। तो आइए आप देखते हैं। पहले हमारा काम क्या होगा, ये आप देख सकते हैं, यहाँ ये दोनों बोल्ट है ना, ये आपको पहले ढीला करना पड़ेगा। और ये आप भी देख सकते हैं, इसको भी पहले ढीला करना पड़ेगा ताकि ये अच्छी तरीके से इसको ढीला करना है ये दोनों, ताकि ये इसमें एक जो ये बोल्टू रहता है ये घूमना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये अच्छे से ढीला नहीं करेगा तो ये साथ साथ में, इसका साथ साथ में ये भी घूम जाएगा, तो हमको थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। पहला हमारा काम होता है उसको ढीला करना। उसके बाद सेकेंड में आपको हम फिर बता रहे हैं, आपको हम दिखाते हैं, इसमें एक यहाँ में भी एक बोल्टू का जो स्क्रू रहता है, आप समझ जाइए। तो आपको हम दिखा रहे हैं, तो ये पहले इसको भी सेकंड में आपको ओपन करना होगा। थर्ड में आपको ये इसमें भी एक ये रहता है स्क्रू, जो भी बोल्टू जो भी ये इसमें टाइट किया है, क्लेम के साथ जो टाइट किया है उसको भी आपको ढीला करना पड़ेगा। तो ये इसका साथ ये एक इसमें जॉइन रहता है ताकि ये अच्छा सा इसको ये घूमना है, सिर्फ ये घूम जाना है। उसका साथ साथ यहाँ एक रहता है, यहाँ दोनों बोल्टू रहते हैं, उसको भी खोल लेना है। साथ साथ में यहाँ क्लेम का साथ इसको भी टाइट किया है, उसको भी खोल लेना है। ये हमारा हो गया पहला काम, ताकि इसको अच्छे से ढीला कर लेना है ताकि ये घूम जाए। ये उसका तो हमने ऑलरेडी अलाइनमेंट कर चुका है। हमको थोड़ा याद आया है कि थोड़ा दिक्कत होता है जो नए नए अलाइनमेंट दुकान खोलते हैं, शॉप खोलते हैं, तो इसलिए हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। तो पहले क्या करना होगा, पहले अलाइनमेंट इसको हम लोग मिला लेना पड़ेगा कि ऐसे कि यहाँ आप इसको जब ये घुमाएगा ना, ये घुमाने के बाद ये भी पूरा हिल जाएगा। तो हिलने का इसको पहले घुमाना है हम लोग, ये आप देख सकते हैं ये रोड है, इसको घुमाने से घूमने से अब देखना है, कंप्यूटर की तरफ देखना है, ये घुमाने के साथ ये अंदर बाहर आएगा, ये चक्का अंदर या बाहर जाएगा। तो उसी के तरीके से जब ये आप मिला लेना है, इसको मिलाने के बाद जो कंप्यूटर में आपको दिखाएगा, दिखाने के बाद उसको पहला काम होता है उसको टाइट करना, उसको टाइट ये आपको बोलते हैं ना, ये इसको टाइट कर लेना है और ये टाइट कर लेना है। ये टाइट करने के बाद ये पूरा सेट को अपने टाइट कर दिया है, उसका काम ये इसका काम पूरा ओके हो गया है। और नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ, ये अपने अभी उसको मिलाने के लिए ये आप देख सकते हैं, यहाँ बीच में एक बोल्टू रहता है, ये इसमें थ्रेड रहता है, दोनों साइड में थ्रेड रहता है। ये थ्रेड को हमने अंदर बाहर इस तरीके से या उस तरीके से आप घुमा सकते हैं, अंदर या बाहर आप इस तरीके से यहाँ घुमा सकते हैं। तो उसका बाद आपको कंप्यूटर में देखना है, तो कंप्यूटर में जो भी एरो बताते हैं उस तरीके से आपको ये एडजस्ट करके ये आपको टाइट करना है, ये दोनों टाइट करना है। उसी तरीके से आपने देखा है बोलेरो पिकअप का, जो भी बोलेरो पिकअप होता है या जो भी किस तरीके का कार होता है, गाड़ी होता है, उसका अपना अलाइनमेंट हो जाता है। तो फ्रेंड, आशा करते हैं आपने वीडियो में कुछ सीखा है। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मिलते हैं जल्दी ही एक नए वीडियो लेकर, तब तक के लिए सबको बाय बाय।